फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड जिसे हम बोलेंगे रगड़ा। रगड़ा हम कैसे बनाएंगे उसके साथ गाइज आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आप इसे मटर के छोले या मटर की सब्जी भी बोल सकते हैं। आइए देख लेते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जादोन इंडियन किचन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। रगड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम मटर ली है। यह सफ़ेद वाली सूखी मटर है। मटर को मैंने ओवरनाइट पानी में भिगो दिया था। मटर अच्छे से फूल गई है, मैंने इसे धो लिया है। अब हम इसे कुकर में डाल देते हैं और साथ ही मैं यहाँ पर एक कटा हुआ आलू डाल रही हूँ रगड़े में। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची डाल देंगे, साथ ही एक तेज़पत्ता डाल देंगे। खड़े मसाले हम साथ ही डाल देते हैं। एक से डेढ़ गिलास के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे और आधा चम्मच के करीब नमक डाल देते हैं और कुकर का ढक्कन बंद करके गैस पर चढ़ा देते हैं। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। हमें 6 से 7 सीटी आने तक अच्छे से इसे बॉईल करना है। मटर और छोले हमारे अच्छे से गल गए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, और जो हमने खड़े मसाले डाले थे अब हम उन्हें निकाल देंगे क्योंकि उनका जो रस था वो इसमें अच्छे से आ गया है। इनका फ्लेवर जो होता है वो अच्छे से इसमें आ गया है, आप इसे निकाल सकते हैं। और देखिए, मटर भी हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं और आलू भी अच्छे से घुल गए हैं। अब गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून के करीब हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। मैं इस सब्जी को मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, आप जिस भी ऑयल में खाना पसंद करते हैं बना सकते हैं। ऑयल गर्म होते ही आधा चम्मच जीरा डालेंगे, एक पिंच हींग डाल देते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर एक हरी मिर्च को लंबे स्लाइसेस में कट करके डाल रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक चॉप काट लिया है, इसे डाल देती हूँ। और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। एक कटे हुए टमाटर को डाल देते हैं, मैंने बारीक चॉप करके टमाटर को काटा है। और इसे चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच के करीब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, इससे कलर अच्छा आता है। और आधा चम्मच के करीब हम यहाँ पर सब्जी मसाला डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। इससे भी सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप इसे ज़रूर डालिएगा। और आधा चम्मच के करीब हम यहाँ पर कस्तूरी मेथी को हाथ से क्रश करके डालेंगे। इससे भी हमारा जो रगड़ा बनता है बहुत ही टेस्टी बनता है। और 1 से 2 चम्मच के करीब पानी डालकर मसालों को लो फ्लेम पर चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। पानी हमने इसलिए ऐड किया है जिससे कि हमारे मसाले जलेंगे नहीं। ये देखिए, मसालों से ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब हम इस स्टेज पर 2 चम्मच के करीब फ्रेश ताज़ा दही डालेंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए इसे भूनेंगे जिससे कि हमारा मसाला अच्छे से ऑयल ना छोड़ने लगे। तब तक हमें इसे चलाते हुए अच्छे से भूनना है। ये देखिए, मसाले से हमारे जो है ऑयल रिलीज होने लगा है। अब हम इस स्टेज पर हमने जो मटर के जो छोले हैं हमने उन्हें बॉईल करके रखा था उन्हें इसमें डालते हुए मिक्स कर लेते हैं। कितना अच्छे से हमारा मसाला भून करके तैयार हुआ है आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सभी मटर के छोलों को डाल दिया है, चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो आलू के बड़े बड़े पीसेस हैं उनको चलाते हुए अच्छे से मैश करते जाएंगे स्पैचुला से। इस तरह से दबाते हुए इन्हें अच्छे से मैश कर लेना है। अब मैं यहाँ इसमें आधा चम्मच के करीब काला नमक डालूँगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है रगड़ा में, आप ज़रूर डालिएगा। और आधा चम्मच के करीब हम इसमें वाइट वाला नमक ऐड करेंगे और सभी को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी पतली रखनी है तो इस स्टेज पर आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं और इसे ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए हम पकने देते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं रगड़ा हमारा बन करके तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये लीजिए, हमारा रगड़ा बन करके तैयार है। अब हम इस पर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंगल कर देते हैं और थोड़ा सा ऑनियन कटे हुए हम स्प्रिंगल कर देते हैं। एक हरी मिर्च रख देते हैं। ये लीजिए, हमारे मटर की सब्जी बोलिए या आप इसे रगड़ा बोलिए या मटर के छोले बनिएगा,
बिल्कुल बनकर के तैयार हैं। आप इसे कुलचे के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टा पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर गाइस आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर।